Congratulations, sir. Kis baat? Bajjani ki ya operation ki? Dono ki, janab. Thank you. Thank you. बैठो जाफर, बैठो महमूद। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है जी कि आप बच गए। हाँ भाई, बड़ा खुदा का शुक्र है। जनाब, ये आपकी नीली चिट्ठी सुबह की आई हुई है। हाँ, जब किसी अफसर का तबादला होता है तो ये चिट्ठी आ जाती। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। सारा खेल दाने पानी का सर। ठीक है, स्टेनो को भेज दीजिए। राइट सर। हर शहरी अजाब में है, मुजरिम दंदनाते फिरे और शुरफा को सर्च पाने की जगह ना हो, यह डिसिप्लिन है नाकामी या नाहले। आपको वहां भेजने का मकसद दूर दराज के इलाकों को मिसाली बनाना था। वफद पे वफद चले आते, क्या आपकी सबके साथ दुश्मनी है? जी नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ये सब इल्जाम हैं। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि कुछ तफसीलात बयान करूं, जाती और निजी नौयत की भी। कहिए सर। मेरे वालिद को कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस कर दिया गया था। वो बेगुनाह थे लेकिन उन्हें 10 बरस की जेल हुई। पर असल मुजरिम वो मेरे पीछे, कानून के पीछे जाके छुप गए। उस दिन से पुलिस ऑफिसर बनना मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया सर। मसूद, क्या तुम वाकई पुलिस में जाओगे? हाँ, ये ख्वाब है मेरा एक। राहिला के लिए भी? अरे वो तो बड़ी पागल लड़की है, उसे तो मैं चढ़ाने में मजा आता है। पागल? पागल तो खैर वो नहीं है। शादी प्रपोज कर रही है, पापा को दरमियान में ला रही है। एक तो मुझे लड़कों की समझ नहीं आती, जैसे कोई खुलूस से मिला तो बस समझ ली कि शादी प्रपोज कर रही है। ए, समझा क्या तुमने? नो, कर लो दुकानदारी। अरे तेरी खातिर उसे झटक रहा हूँ, तू उसकी साइड ले रही है। मेरी खातिर? कल न जाने मेरे बारे में भी तुम क्या कहते हो। तेरे बारे में? हाँ। नहीं सारा, तुम तो मेरा अक्स हो। बेहद मुश्किल, बेहद पागल। क्या क्या पागल कहा तुमने मुझे? पटवारी यूं भी तुझसे वाकिफ था तो खुद चला जाता तो कितना अच्छा होता। अरे माँ, फाइल भिजवा दीजिए। वैसे जो इंतकाल अराजी का मसला होता है ना, ये होता है बड़ा सुस्त रहा, फिर पटवारी तो फिर पटवारी होता है। तुझसे बड़ा ऑफिसर? बड़े बड़ों से बड़ा ऑफिसर होता। मैं खुद चला जाता सच में। बात ये, मुझे थोड़ा सा, एक तो मीटिंग में जाना है 11 बजे, उससे पहले थोड़ा सा काम। उनके यहाँ कब जाना? उनके यहाँ भी चलेंगे, पोस्टिंग तो जाने दीजिए। मुझे तैयारी करना है, दिन बता। बात तैयारी करके जाने की कोई जरूरत नहीं, बड़ी दोस्ती है हम दोनों में, बड़ी अंडरस्टैंडिंग। पहले तो कभी जिक्र नहीं किया, कैसे लोग हैं? जमींदार हैं आपकी तरह। कितनी जमीन है आपके पास? 1.5 मुरब्बा ना? उनके यहाँ बहुत है, बेहिसाब है। जात क्या? जात क्या? लेकिन जात की उन्हें तो परवाह नहीं है, मुझे भी नहीं, आपको है। इतना सबक याद है तुझे? साहब जी, गाड़ी तो बर्फ हो रही है जी।
बाहर क्यों खड़ी की थी? इनसे पूछें जी, इन्होंने की थी। मैंने तो जी अपना लेह भी डाला था इंजन के ऊपर, पर बैटरी फिर भी डाउन की डाउन ही रही। ओ जा भाई, जाके थोड़ा धक्का लगा दे उसको। मैं तो हफ गया हूँ जी अकेला। आप यूं कीजिए कि इसे आजाद कर दीजिए। मुझे जी? और क्या, तू भी तो खटारा हो गया उस गाड़ी की तरह। खैर, गाड़ी तुझसे एक नंबर आ गया। नहीं जी, चलती तो वो ठीक ठाक है, बस उसका वाज थोड़ा सा कोड़ा है। अच्छा चल चल। मसूद, तुम्हारी पोस्टिंग? अभी नहीं, लेकिन चाहता हूँ शहर से करीब हो। वो क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या करें जनाब, हमारे ना मुश्किल है, जबान कोंगे। पुलिसमैन और इतना एक्साइटेड, व्हाट अ कंट्रास्ट। क्या बात कर रही, हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं क्या? अरे, दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, और फिर ये खुशबू है जो तेरे और मेरे लहू में साथ उतरती है। कोई हल्की फुल्की बात करो मसूद जी। आज जनाब, आज के बाद सारी बातें भारी भरकम होंगी, और सिर्फ मैं नहीं करूंगा, मेरी वालदा करेगी। क्या बात? कहा था ना तुम्हें हैरान कर दूंगा, तो तैयार हो जाओ, वो तुम्हें बांधने आ रही है। ये तो हंसी छूट रही है मसूद, तुम भी कभी कभी अजीब बातें करते हो। हाय हाय, ये अदा तो दिल चीर जाती है। हाँ सारा, वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रही है। मेरा रिश्ता? क्या हुआ, खुशी नहीं हुई तुम्हें? प्लीज प्लीज मसूद, कभी कभी ऐसी बात ज़बान पे नहीं लाना, प्लीज प्लीज। मजाक कर रही हूँ? नहीं, मजाक कैसा, सच बताओ। कभी किसी इशारे से, मेरी तरफ से किसी जज्बे का इजहार हुआ? कभी कोई दो सतही बात की मैंने? वो साथ फिरना, वो डिबेट्स, पार्टीज, वो सब क्या था? दोस्ती थी। दोस्ती? बस संजीदा हो तुम? जब 4 दिन की थी ना, तो मेरी मंगनी हो गई थी उससे, जिसने अभी पैदा होना था। उससे 4 बरस छोटा है मसूद। इस तारे को तोड़ दो। नहीं, टूट सकती हूँ, तारा नहीं तोड़ सकती। बगावत कर दो। मैं उस जंजीर से बंधी हूँ मसूद, जो जमीन के लोहे से बनी है। मेरे नाम बारह रब जमीन है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जमीन, दस्तबरदार हो जाओ तुम। वो कैसे छोड़ेगा जो जो महज जमीन की वजह से मेरे साथ बंधा है? खानदान से बाहर निकलने की सजा जानते हो? वो मेरी मेरी मौत पर इत्तफा नहीं करेंगे, दाना दाना बिखर जाएगा। मैं जीना चाहती हूँ मसूद, मैं जीना चाहती हूँ। जीना चाहती हो? जी सकोगी? मैं नहीं जी सकूंगी तो क्या हुआ, दूसरे तो जी सकेंगे ना। चाहे जमीन का बोझ अपने गले में डालकर दरिया में क्यों न उतरना पड़े, जमीन उनकी बादशाहत है मसूद। अच्छी बादशाहत है, अच्छी बादशाहत है ये, जो दूसरों को गदागर बना देती है। तुम मुझे ये बता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने अरसे चुप क्यों नहीं तुम? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, डिस्टर्ब हो जाते। डिस्टर्ब हो जाता, धरा रह जाता पीसीएस तुम्हारा। अच्छा था ना वो तो? ये एहसास जो अब मुझे हो रहा है कि पांव रखता हूं तो लगता है कि दलदल में धंसता चला जा रहा हूं,
ये तो ना होता ना। कल आज में कितना बदल गया है? मैं नहीं बदला मां, मौसम बदल गया है। नहीं जाना उनके यहां, बस सारे तौर तरीके बाप की तरह हैं तेरे भी। खुदा मगफरत करे, घड़ी में तोला घड़ी मैं में माशा। काम करना चाहता हूँ, उकता देने वाला, थका देने वाला। मुझे फरागत ना होने देना, मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या है? फिर लिए सीमा, मेरा मतलब है देखिए ना। हाँ क्या चला जाएगा, बस तुम्हारे इस रवैये से थक जाती हूँ कभी कभी, दिमाग उकताने लगता है मेरा। मेरी बात का जवाब देना, सुलगती रहती हूँ अंदर ही अंदर, हर मर्तबा टाल जाते हो। मगर याद रखो, मेरा नाम भी फातिमा हुसैन है। कौसर, कौसर बेगम सब बैठी भी थी, उठी हैं और वहीं बस वो टांग पकड़ के रह गई हैं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ऐसे बगैर चोट के शायद कैंसर हड्डी में पहुंच चुका है। हड्डी का कुछ हिस्सा तजिए के लिए लेबोरेटरी भिजवाया है, रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। नौकरी, सच्ची बात है बेगम साहब जी, बैठे बिठाए जुदाई डाल दी मां पुत्र में। सामान पैक हो गया, समियान तो मैंने राती बांध दिया था जी, मफलर भी रखना था। मफलर जी अटैची में बिछा दिया था। लेटी रही, लेटी रही, मैं सिर्फ सलाम करने हाजिर हुआ था। प्यार भी तो ले ले, इन्हीं कपड़ों से जाएगा है? क्या खराबी इनमें, ठीक तो है। यूनिफॉर्म तो पहन के दिखा दे। लो, पहना था ना उस दिन। आप फिक्र क्यों कर रही हैं, मैं आता जाता रहूंगा। पहन लो साहब जी, जाने से पहले गली मोहल्ले के दो चक्कर ही लगा जाओ। लो सुनो, इसकी किस लिए भाई वो? जरा रोप के लिए, ये जो चौधरियों का मुंडा ना, बाला कबूतरों वाला, उसको तो छतो थले ला जाओ। सारा दिन कबूतर, सारा दिन पतंग। लगता मैं इसकी सुला नहीं उससे अभी। अच्छा सुने, पता है ना आपको, हफ्ते में एक दफा अस्पताल जरूर जाना है। साहब जी, ओए होए होए, वो जी बात ये है कि ट्रंक तो हो गया है, इस अटैची में क्या रख दिया है जी आपने? आ रही है। ओए होए होए होए, मेरा तो जी आंदर पेटा दुरा हो गया है, वलायती चूल्हा तक तो रख लिया जी आपने इसमें। वैसे उसके रखने भी क्या लोड़ थी, अल्लाह ने चाहा तो वहां पर आपको पक्की पकाई मिलेगी। की जो हाँ? चल इधर आ जरा हाथ पुआ। बड़ा खतरनाक इलाका है, साबर ने बताया मुझे। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं, कोई इलाका खतरनाक नहीं होता। थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन इतने में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंस्पेक्टर साहब हैं? उस वक्त मैं घर में अकेला था। छोटा भाई भी था जी। चुप करो बुजुर्गो, क्यों केस खराब कराना है? मैंने पूछा था कि एक मिनट सबर करो, बैठो तशरीफ रखो। उस वक्त घर में दो ईटा लिख दिया। जी हाँ जी हाँ। गलत बयानी अच्छी नहीं होती है बुजुर्गो, आपको चौधरी साहब से मिलना है। जी। वड्डे या छोटे? दोनों से। दोनों साहबान गश्त पर आए, स्टूल पर बैठो। उस वक्त दिन का 1 बज रहा था। उनके मुंह को चौकी सट लगी आए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। सिरगट पियो, तकल्लुफ की जरूरत नहीं आए। और के बंदे आए थे रिपोर्ट कराने, मगर वड्डे चौधरी साहब ने इनकार कर दिया। खुदा करे तो सुलह हो जाए, वरना ये मुकदमेबाजी में टाइम वखरा जाया होता है और बिजती वाक होती। हम अब जाए? हाँ सुनो, 2 दस्ते कागजों के सफेद कल लेते हैं। बेहतर जनाब। शाबाश। वापसी कब तक होगी? रिपोर्ट शिपोर्ट आ लीजा। जी नहीं। हुक्म करें फिर। SHO साहब कहाँ? अरशाद फरमाओ, कोई बोतल शोतल मंगवा। जी नहीं, मेहरबानी। कोई चाय कोई पानी? नहीं जी, शुक्रिया। कोई सिरगट पियो? नहीं जी नहीं, शुक्रिया। वो गश्त पर आए, इंदराज है गश्त का। वो इनको अंदराज बुखार है, आपको कोई तकलीफ पहुंची हो, आपको चाय पानी पूछा है, बोतल पूछी है, सिरगट का पूछा है, ऊंचे वाले स्टूल पर बैठाया है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। मेरा नाम मसूद रहमान है, ASP। जी हुकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखने में आप लोग बड़े चापो चौबंद नजर आते हैं, लेकिन रिकॉर्ड, मैं चाहता हूं कि मैं तमाम थानों में अपना दफ्तर लगाऊं, कचहरी। इलाका खतरनाक है सर, आपको तकलीफ होगी। अब नहीं रहना चाहिए सर, यहाँ लोग लड़ते बहुत हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहिए। देखिए आप लोग सीनियर हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से उस वक्त कुछ सीख सकते हैं जब हम दो टोक बात करना सीख जाए। ठीक है? जी जी बिल्कुल। कोई दिन खाली नहीं जाता है, चोरी, कमारबाजी, टकेती। ये क्या? खाना है सर। किसके लिए? आपके लिए मंगवाया। मैंने खाना नहीं मंगवाया। मैंने मंगवाया सर। कितने पैसे भाई? देखिए मैं परहेजी खाना खाता हूँ, आप कांस्टेबल को भिजवा दीजिए अपनी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। मैडम बोला। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया जी। जी फरमाइए। वो जी बस सलाम करने हाजिर हुए थे। जी हाँ जी, वो हवेली इंतजार कर रही है आपका।
हवेली। माफ कीजिएगा, मैं जरा मसरूफ हूँ। दुरुस्त है जी, लेकिन वो मैं सिर्फ दो हरफी बात अर्ज करना चाहता हूँ। एक्चुअली यहाँ जो भी आया है उसी हवेली में ठहरा है, बल्कि यूँ समझिए कि उसने इज्जत बख्शी है हमें। लेकिन मेरे पास तो है अकोमोडेशन। यकीन होगी जी, लेकिन अगर आप हमें इज्जत बख्शना चाहें तो आपके लिए तो मामूली बात है। देखिए जी जलील, जलील साहब जी, इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। चलिए मैं एक दो रोज़ के बाद हाजिर हो जाऊँगा, लेकिन साहब एक शर्त होगी। फरमाइए। आज रात का खाना आप मेरे गरीब खाने पर तनावल फरमाइएगा। ये दरअसल हमारा ही नहीं जी, इस इलाके के दूसरे मुअज्जिन का भी यही दस्तूर है जी। देखिए इनकार ना कीजिएगा प्लीज़। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, या यूं कहिए कि मुझे आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का जी। बहुत बेहतर, जैसे आप मुनासिब समझें। वो बारे गया था जी, मेरा एक दोस्त, ये दो सूट लाया है मेरे लिए, ये इम्पोर्टेड हैं और गर्म भी। उठाइए सर, उठाइए जी, उठाइए सर जी। बेटा सॉरी सर, और शुक्रिया जी। जी सर, क्या आप हुसैन को बुला। जी बेहतर। जी सर। किसकी फाइल है ये? चौधरी इलियास की है जी। पहले ये इलियासू था, फिर इलियासा हो गया, फिर चौधरी इलियास हो गया। अब ये नेक हो गया सर। ये कौन है जूरा? ये कमाल शायर जी, इसका तो आज तक सुराग ही नहीं चल सका कि क्या चीज है। कत्ल, अखबार, डकैती, कमारबाजी, मनशियात का धंधा, क्या किस्सा है जाफर ये? पता नहीं क्या किस्सा है जी, मुझको तो बिल्कुल पता नहीं, मैंने तो इसकी आज तक शक्ल नहीं देखी। वैसे इसके करिंदे जो हैं वो कई दफा गिरफ्तार हो चुके हैं। सजा हुई किसी को? गवाह बैठ जाते हैं सर, कोई रकम लेकर, कोई वैसे डर कर। जाफर से जी सर, कौन देगा गवाही प्रोटेक्शन के बगैर? सर मैं तो कई दफा खुद जाके इनको समझा चुका हूँ। समझाने की जरूरत नहीं है, आप इलाके से दहशत और हरास खत्म कीजिए। सर मैं तो 4 साल से यहाँ हूँ। आपसे पहले स्टेशन तो मौजूद था यहाँ? ये बात नहीं सर, वो जो है ना असल में लोग उसकी मुट्ठी में हैं। आप भी? नहीं सर, मुझसे पहले। आपसे पहले जी? आपसे पहले क्या था, आपके आने के बाद क्या हुआ, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये शख्स जूरा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ अब तक, और अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो कब तक गिरफ्तार हो जाएगा। बस जी सर। ये कौन? बुलाओ। मुल्ज़िम है सर। बुलाओ। रहमत इधर लाओ इनको। जल्दी आओ। ये मुल्ज़िम है या मुजरिम? मुजरिम ही समझे सर। हैं या समझ लो सर, ये प्यार की बात नहीं समझते, लातों के भूत है ना, बयान तो लेना होता है ना जी। ये कौन है? ये सर, ये बहुत चालाक लोग हैं सर जी, आपको खपा देंगे। है कौन ये? ये सर मुश्ताक कट्टर, माली है, शोर बहुत मचाता है, हालांकि चोर है। क्यों करते हो चोरी? तंग करते हो हमें लोगों को? जनाब जी चोरी नहीं कीजिए। बकवास, पीछे हट कर बात करो, माफी मांगो साहब से। बताओ, कहने दो इसे जाफर। हेलो जाफर। जी सर। हाँ सच सच बताओ,
क्या किया था? दरख्त काटा था जी। क्यों, किस लिए? गया था, गिरने वाला था जी बिल्कुल। बेचते हो? चूल्हा झोंकता हूँ। अगर पूछे? पूछा था बेगम साहब से, पूछा था जी मैंने। बेगम साहब से पूछा था, तो फिर किस लिए? जी ना जमाल साहब तनख्वाह रोकते, ना मैं उनकी शिकायत करता, ना वो चोर कह के पकड़वाते मुझे। अब जी मैं उनके यहाँ काम नहीं करूँगा जी, आप मुझे किसी और जगह माली रखवा दीजिए साहब जी। अगर 100 रुपये मजीद मिल जाए ना जी तो। 100 रुपये मजीद मिल जाए, 100 रुपये मजीद मिल जाए। ना मिले 100 रुपये तो क्या करोगे, हराम खिलाओगे बच्चों को इसी तरह? और तुम? मैं 10 नंबरी था साहब जी, अब मेहनत करता हूँ, रेडी लगाता हूँ। चोरी कहीं हो जाती है बुलाओ मुझे लेते हैं जी। बदमाशी क्यों छोड़ दी? हो जनाब, बच्चे जो आन हो रहे हैं जी, पहले वो माँ से पूछते थे, फिर लोगों से पूछने लगे, अब तो मुझसे भी पूछते हैं कि मुझे मार क्यों पड़ती है। मैं इलाके का बदमाश हूँ मगर ऐसा नहीं है साहब जी। जी सर। बुलाओ जाफर। जाफर जी सर, इनकी दोनों की फाइलें सुबह मुझे भिजवा दो, भेजो इन्हें। बेहतर सर। चलो रहमत इधर आओ, इनको ले जाओ बाहर। चलो सलाम आए बाप। ये चूरा है, मनुष्यात का धंधा, फायरिंग, कत्ल, डाका, काला धंधा, समझ नहीं आता है क्या कसर। हेलो। हाँ टीम तैयार कर लीजिए अपनी। जी सर। गश के लिए सर? नहीं, छापे के लिए। 11 बज चुके हैं सर, मुझे अंदाजा है वक्त का। वो सर वो सर्दी का मौसम है, जर्सियाँ जो हैं हेडक्वार्टर से परसों पहुँचेंगी। नहीं जाफर हुसैन, ये आज होगा और इसी वक्त होगा। मेरा तो ख्याल है सर कि ऑपरेशन कल तक मुलतवी कर दें। किस लिए? वो सर जी रास्ता खराब है, टीले की चढ़ाई है, सर्दी का मौसम है, वैसे भी सारा अमला थका हुआ है सर। सारा अमला थका हुआ है तो वो भी थका हुआ होगा, इसलिए कि उसने अभी अभी नज़ीर लोधी को उसकी मोटरसाइकिल समेत अगवा किया है। जी सर। जानते हो किस लिए? इसलिए कि उसने हमें इत्तला दी थी, मदद की थी हमारी। और जानते हो कि मैं इस वक्त किस लिए जाना चाहता हूँ? जी सर। इसलिए कि रात है, अंधेरा है, टीला है और चढ़ाई है। तुम लोग हमेशा दिन के वक्त जाते हो ना? जी सर। ताकि वो तुम्हें आता देख ले। हाँ, जब तक होता रहा जाफर हुसैन, अब नहीं होगा। ये देख रहे हो? जी सर। ये है वो जगह। जी जी। ये रहा आमों वाला बाग, और इसके साथ इस सड़क के किनारे आकर के ये कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते से ऊपर ये टीला है। जी सर। यहाँ तक गाड़ियाँ जाएंगी, यहाँ आप लोग रुक जाएंगे, और इसके ऊपर सिर्फ एक आदमी जाएगा, वो आदमी होगा मैं। जी सर। आप सब लोग इंतजार करेंगे नीचे मेरे विसल का। थैंक यू।
कांस्टेबल रात गौर करें, नंबर एक कोई हाजरी डाले बगैर थाने से बाहर नहीं जाएगा, नंबर दो तरीरी ऑर्डर के बगैर कोई किसी को चेक नहीं करेगा, नंबर तीन दाखिल खारिज रोज नामचा रोजाना रिपोर्ट सुबह शाम अलग। आया समझ शरीफ में? जी आ गया। जो भी आता है थरथली डाल देता है, दो सवा दो दिन। बड़े आए थे, बड़े गए, बड़े गए। उम्र छोटी आए, तजुर्बा कम आए, ऑर्डर तो आए। सुबह से तीसरा ऑर्डर आए। तुमने हाकिम अली जैसा कौड़ा जहर बंदा नहीं देखा? ये तो कोई शह ही नहीं है। आज तो बच के निकल गया ये जूरा बच से, लेकिन इस जंगल में या जूरा रहेगा या मैं। ये सर जी, ये सिराज साजा, ये जूरे का बंदा, इसके लिए क्या हुक्म है सर? कारंदे हो उसके? मैं तो खरीदने आया था, सौदा लेने आया था। सौदा? नशा करता है सर, देखें इसका जिस्म कैसे कांप रहा है। कोई शर्म नहीं आती है तुमको? हैं, अखबारों में तस्वीर छपेगी तुम्हारी। मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। मैं मर जाना चाहता हूँ। उस चीज का नशा करके हीरोइन छोड़ दो, छोड़ क्यों नहीं देते? मैं मर जाऊंगा, छोड़कर भी पीकर भी मर जाऊंगा। क्या उम्र है? 21। गिरफ्तार क्यों नहीं हुए अब तक? वो खरीदने वाले को बचाते भी हैं। बकवास करता है सर, ये इसका नशा टूट रहा है, इसका ज़हन काम नहीं कर रहा। ये देख, अभी अपने जिस्म को नोचेगा। कितने रुपए खर्च करते हो रोजाना? 100 रुपए। 100 रुपए आते कहाँ से? आ जाते हैं। सुना तुमने जाफर हुसैन, रुपए आ जाते हैं? जी सर। वो खरीदने वाले को तहफ्फुज भी देते हैं? जी सर। बकवास करता है सर। तो मैं सोचता हूँ इस मुजरिम के पांव तो दलदल में होने चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? हैरान मिलती है यहाँ इस इलाके में कहीं? जी सर, नहीं सर, मेरा तो ख्याल है कि नहीं मिलती जी, मेरे इलम में नहीं सर। मैं पीना नहीं चाहता। मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ। भेजो उसको क्लिनिक। जाफर, उसको क्लिनिक भिजवा दो और इसको बंद करो। भेजो इसे। चलो इधर आओ, नहीं चलो, चलो चलो। तो अब नेक्स्ट तैयारी कर लो रेट की। जी सर। ज्यादा वक्फा नहीं देना चाहिए इसको।
अगर 2 माह और लेट हो जाते तो तुम्हारा इलाज सिर्फ 80 हेरोइन होता और जिंदगी चंद रोज। अब जिंदगी लौट आई है तुम्हारे अंदर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। जी सर, वो तस्दीक हो गई सर। किस बात की? 25 लाख का गबन है और वो बंदा जूरे का। आज शाम चूरा गिरफ्तार हो जाएगा। वो तो खैर ठीक है सर, वैसे लाखों के चक्कर में लाखों ही होते हैं सर। जाफर हुसैन, आज शाम आपकी सारी फोर्स तैयार रहनी चाहिए। तैयारी कीजिए। थैंक यू। जी सर। अभी यूरोप जाने की जरूरत नहीं भाई, सब कुछ तो यहां मौजूद है। साहब अकेलेपन से घबरा जाती हैं शायद। भाई इसलिए तो कहता हूं कि अस्पताल एडमिट करा दे, मैं वहां पर मौजूद हूं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हैं? थैंक यू। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपके चेहरे पे पहले से ज्यादा रोशनी है मुझे लगता है। एक सांस में अच्छी भली होती हूँ, दूसरे में लगता है मरने जा रही हूँ। हालांकि कुव्वत इरादी इतनी मजबूत है आपकी, ये देखिए इतने सारे। मैं कहती थी ये नौकरी ना कर, कब्र का अजाब है मेरे लिए, उठा। बड़ी खुशी हुई आपकी डांट सुन के, लेकिन ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। ये जनाब मैंने अपनी जमीन बेच दी है। जमीन बेच दी? यही तो एक साया था तेरे सर पे बेटा। नहीं माँ, तुम हो मेरा सबसे बड़ा साया, और ये सब कुछ तुम्हारे इलाज के लिए। तेरी बातें सुन के जी उठती हूँ, जा कपड़े बदल, मेरे पास बैठ। इसका वक्त नहीं है। जब भी मुझे किसी मिशन पर जाना होता ना, खतरनाक वाले, तो सोचता हूँ आपसे मिल लूँ। ये जो हमारा काम है ना, इसमें कुछ पता नहीं होता जिंदगी का। जान जोखों में डाल के यूं भी तो खुश रहता है। अच्छी बात नहीं है कि अगर एडवेंचर और फर्ज दोनों इकट्ठे हो जाएं। अगर तुझे कुछ हो गया तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। धूप छांव है, जिंदगी के पेचो खम है। जिंदगी बचाना फर्ज नहीं है क्या? किसकी जिंदगी? पुलिसमैन की? ना, पुलिसमैन की अपनी जिंदगी नहीं होती, वो दूसरों में जीता है। इजाजत। फिर अंगना जल्द नहीं। देख लिया आप लोगों ने? जी सर। सुबह सूरज निकलने से पहले बस इतना ही वक्त है हमारे पास। मैं उस शख्स की शक्ल देखना चाहता हूं जो बरसों से इस काम का धंधा कर रहा है। आपने देखा उसे? जी न सर। आपने? नहीं सर।
और आपने, खैर आपने तो क्या देखा? नहीं सर जी। फिर किसने देखा है उसे, किसने देखा है उसे? कोई तस्वीर, कोई फिंगरप्रिंट्स? समझ में नहीं आता कि जो भी शख्स पकड़ा जाता है वो कोई दूसरा क्यों होता है। ठीक है सर, अगर आपने इरादा ही कर लिया तो मेरा ख्याल है वो बच कर नहीं जाएगा। चैलेंज बन गया है ये मेरे लिए, चैलेंज नहीं, इस सारे डिपार्टमेंट के लिए बदनामी और कलंक का टीका। जी सर, आप फिक्र ना करें सर, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझेंगे सर, समझ गए हैं आप लोग। गुड, आइए। मैं इस कमरे में मौजूद थी। बाहर के दोनों गेट जो हैं वो एक डिजाइन के और एक रंग के हैं, और वो घर मेरी बहन का है, शायद वो वहां हो। सैफू, सैफू,
धुत टीके लगा लगा कर इसे खत्म कर दूंगा मैं। खत्म नहीं करना, जिंदा रहे न मुर्दा। एक घंटे के लिए जा रहा हूं। इंतजाम कर लो। ठीक है। मैं चाहता तो तुम्हें गोली से उड़ा सकता था, कीमा बना सकता था तुम्हारा, लेकिन नहीं। तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा है कि अगर अदालत तुम्हें 100 मरतबा फांसी की सजा दे तब भी कम है। तुम्हें जूरा बने फिरते थे। मेरा नाम करमल्ली है जी। आग के समंदर से गुजरा हूं मैं, किसी गवाह की जरूरत नहीं है मुझे। लोगों को मफलूज बनाते हो, पर तुमने उस मासूम की जान क्यों ली? क्यों ली तुमने उस मासूम की जान? किसने मारा तुमने उसे? बच्चा एक ख्याल होता है, एक मासूम फूल होता है वो। तुमने एक पूरा जहान खत्म कर दिया कमीने। नाम तुम्हारा अमीन है लेकिन मुखबरी करते हो, हमारी बातें जाके दूसरों को बताते हो। सारा मुआशरा जिन मुजरमों के ताक नहीं धो सकता उन्हें तुम सीने से लगाते हो पुलिस वालों का। शर्म आती है मुझे, लेकिन तुम पुलिसमैन कभी थे ही नहीं। तुमने महज वर्दी पहन रखी थी पुलिसमैन की, इसके अंदर तुम एक जालिम और कमीने आदमी हो। सस्पेंड करें जी इसको। तुम सवाशी लहजे में बोल रहे हो, जानते हो जुर्म इसका? जानते हो इसका जुर्म? सारे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, कोई नहीं कहेगा कि इसका जाती फेल था। सर प्रेस में आ जाएगा, चर्चा होगा, बदनामी होगी, खामखा आपकी हमारी, आप इसे दफा करें सर। बिल्कुल जी, बात उछल गई तो समेटना मुश्किल हो जाएगा। तुम सब मिलके मुझे इस दायरे में घसीटना चाहते हो, लेकिन खुदा की कसम मैं इस इम्तहान में पूरा उतरूंगा। ले जाओ ने, ले जाओ ने, पर्चा दर्ज करो। ओके सर। अभी और इसी वक्त।
जनाब वहीद खान सलाम के लिए हाजिर हुआ जी। बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा नाम वहीद खान है, सुना होगा आपने। जी नहीं। अभी ज्यादा अरसा भी तो रहना हुआ आपको, सुन लेंगे, जरूर सुनेंगे। फरमाइए। वो करमल्ली ऐसा नहीं था, हुआ ये कि कौन लोग हैं आप लोग, क्यों आ रहे हैं मेरे पास आप? वो सर ये वहीद खान है और इस इलाके में जो शख्स करमली का नाम इस लहजे में लेता उसे मैं जान गया। सफारिश करने नहीं आया, जमानत देने आया हूँ। उसका जुर्म इतना बड़ा है कि जमानत रुकिया अगर सब कुछ हो सकता है सर, अभी तो आपके हाथ में है। और वो हाथ, वो हाथ जो मेरे गरेबान पर है, तो खुदा ना करे जी, तोहफा तोहफा उस मासूम फरिश्ते जैसे बच्चे का हाथ है, उस माँ का हाथ है जो जो बेकसूर है लेकिन अपना दुख रोने मेरे पास आई भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ उसके दुख को, उसके दर्द को। वो चीख अब तक मेरे कानों में मुंजमद है जो उसकी फरियाद थी। तुम लोग मुजरिमों के लिए तहफ़ मांगते हो, तुम्हारा दिल दिमाग जहन किस धात का बना हुआ है? सर ये होता है और ऐसा होता रहा। तुम कह रहे? जी सर। लेकिन अब नहीं होगा ऐसे, इस संदिल और बेहुदा मजाक के बाद तुम्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। आप टेम्परामेंट लूज कर रहे हैं सर। मेरा ख्याल था आप तजुर्बाकार हैं, किसी की जिंदगी अजीरन करने से सुख मिला नहीं कभी। सर आप इन्हें जान तो लें। मुझे जानने की जरूरत नहीं है, आप मत बोलो मेरे साथ इस तरह। फर्क कोई तमीज में करने का मतलब नहीं है कि तुम हुदूद ही पलंग जाओ, जाओ। एक जैसी ठली ठलाई सूरतें, 25 लाख रुपए का गबन, मामूली बात है आप लोगों के लिए। सर अखबारात उछालते हैं ज्यादा, गबन होगा तो खबर तो अखबारों में आएगी। जनाब मेरी इतला है कि मुल्ज़िम सरहद पार चला गया है, हमने जब भी जो खुल के कह रहे हैं कि नूरा छापे हैं, क्या जवाब है आपके पास इसका? मेरी इतला है कि आज शाम वो पूनम प्लाजा आएगा। जनाबे वाला रहने दीजिए, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद, लेकिन कब तक मुझे को जाना होगा।
फिर कोई मिलने आया होगा। सर राणा साहब आए, लेकिन मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। सर वो दो मरतबा पहले भी आ चुके हैं। जानता, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। उनके पास चिट्ठी है सर, अगर आप देख लें तो। सिफारिश की जरूरत नहीं है, जाओ तो। ओके सर। सर वो राणा साहब को थोड़ा सा वक्त दे दें जी। दो आदमी क्या पकड़े गए हैं, सिफारिश पे सिफारिश चली आ रही है। सर जिंदगी में थोड़ी सी लचक होनी चाहिए सर। इसलिए कि जूरा गिरफ्तार हो गया? वो जूरा नहीं है सर। फिर कौन है? वो लियासा है, और गिरफ्तार शुदा लियासा के खिलाफ जुआ खेलने का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है सर, बस इतनी सी बात है। जाफर हुसैन, तुम जैसी काली भेड़ों ने हजारों नूरे चूरे लियासे पैदा कर रखे हैं। पैदा नहीं किए, तहफ्फुज़ भी दिया है उन्हें। कहीं ना कहीं खम आ ही जाता है सर, बाकी सब इल्जाम है। इल्जाम है, इल्जाम है, तो फिर दो जवाब इसका। और से देखो जाफर हुसैन इस अखबार को। यह तस्वीर एक मनुष्यात की आदि नौजवान की तस्वीर है। यह कैंसर है जाफर हुसैन, जो हमारी नस्लों को खा जाएगा, मौजूदा भी और आने वाली भी। मुझे तोड़ना चाहते हो ना? याद रखना जाफर, ना मैं टूट सकता हूं ना झुक सकता हूं। समझ में नहीं आता लोगों की इस्लाह करूं या तुम्हारी। जी हाँ, यही बात तो समझ नहीं आती कि आप जैसे शुरफा को एक जालिम की रहाई इतनी अजीज क्यों है। खुद देख लीजिए कितने वाकयात हैं तशद्दुद के, अगवा हैं, 8 बरस पुराना एक कत्ल है। समझ में नहीं आता कि ये जूरा है कौन जिसके कारण जाल की तरह हर तरफ फैले हैं। दरअसल पुलिस की और जूरे की पुरानी दुश्मनी है सर। सिगरेट? नो थैंक यू। खान साहब, एक शरीफ जिम्मेदार है बेचारा, छोटी मोटी कोताहियां तो इंसान से ही होती। बंद कीजिए से, बंद कर लीजिए से। आज छोटा है ये, आप वही है? जी मैं, जी हाँ, मैं पहले भी आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। और आपके साथ जमील भी था, 25 लाख के गबन का मरकजी किरदार। दुरुस्त कहा आपने, खाली जेब आरजुओं का खजाना होती, हम आरजुओं का तबादला तो कर सकते। बात रुपया है आपके पास है ना, मुमकिन है आपके जरफ के बराबर ना हो, फिर भी। हेलो, जी हाँ, तबीयत तो पहले भी ख़राब थी उनकी। नहीं, माफ़ी मांग लीजिएगा, इस वक्त तो हाजिर नहीं हो सकूँगा। कहिएगा आपके बेटे ने सलाम कहा है। सॉरी, ज़ाती से काम था। सर बहुत कम कीमत लगाई आप लोगों ने अपनी, इससे ज़्यादा हकीर और बेमुरव्वत है मैंने आज तक नहीं देखी। उठाइए से और तशरीफ ले जाइए यहां से, तशरीफ ले जाइए यहां से।
अम्मी जान की तबीयत कैसी सर? मुकम्मल करके लाइए इसे, सीधा साधा मर्डर केस है। साग सर। क्या हुआ? चौधरी असलम बरी हो गया सर। चौधरी असलम बरी हो गया, कैसे? सर मुद्दई ने अदालत में बयान ही बदल दिया, उसने कह दिया कि मैं जी अगवा ही नहीं हुआ। ऐसे भी होता है? यही कुछ होता है सर, यहाँ के लोग बहुत जाहिल हैं। दवा करें सर जी, हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया ना जी। बुलाओ मुद्दई को जरा। बेहतर। थैंक यू। हाँ भाई, क्या हुआ? अगवा हुए थे ना? असलम ने तुम्हें रस्सियों से बांध के रखा था, फिर क्यों बदला बयान तुमने अपना? मेरी सारी मेहनत, सारी भाग दौड़ पे तुमने पानी फेर दिया। इस जुल्म की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। जनाब, आप तो यहां से जा रहे हैं, मगर मुझे इसी दरिया में रहना है, और यहां एक से एक बड़ा मगरमच्छ है। किसने कहा है तुमसे कि मैं यहां से जा रहा हूं? सुना था जनाब। अच्छे भले पढ़े लिखे आदमी हो, पैसा भी है तुम्हारे पास, जहीन भी हो, फिर क्या है? जमीन पे पांव क्यों नहीं धरते? इतने बुजदिल क्यों? मैं बुजदिल नहीं हूं सर। फिर क्या है? सर मेरी बहन भी अगवा हो सकती थी, और ये सिर्फ धमकी ना थी। अपनी बेगैरती को जबान दे के तूने मेरे दिल का बोझ बढ़ा दिया है। जनाब आपकी बात क्या होगा मेरे बाद? अरे जैसा ही आएगा, लेकिन जमीन पे पांव तो धरो तुम लोग। क्या हुआ, क्या था, झगड़ा हुआ था? नहीं सर, मैंने मुखबरी की थी, वो लोग हेरवन बनाकर बेचते थे। वो लोग कौन लोग? जूरा। जूरा, जूरा, कौन है ये जूरा? वही तो है सर। तुम कभी मिले उससे? नहीं। दो करोड़ का माल है। नीली गाड़ी जब नहर के पुल पर से गुजरे, तुम ये ब्रीफ केस सिगरेट वाली दुकान पर रख कर अपनी जेबें टटोलना, जैसे तुम्हारी कोई शय गुम हो गई हो या तुम्हारा बटुआ घर रह गया। मूव, चलो, चलो आगे। Thank you.
इस कामयाब ऑपरेशन पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या हम जूरा से मिल सकते हैं? यकीनन यकीनन। देखिए, तहकीकात और शवाहिद के बाद ये पता चला है कि जूरा दरअसल 5 नामों का मरकब है, इनमें से ये जलील, जीम, ये खड़े हैं, वहीद, वाओ, राशिद, रेस जो यहाँ नहीं है, और अफजल अलिफ। रहा इनका सरगुना, उसका नाम भी अलिफ से शुरू होता है, लेकिन फिलहाल जाहिर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब तो शुरफा में से हैं सर। जी हाँ, बादर से मैं भी तहयर का शिकार रहा, लेकिन यही वो लोग हैं जो हेरोइन का धंधा करते हैं और हमारी नस्ल को मफलूज कर रहे हैं। रुपया इनकी तिजोरियों में, जुर्म जूरे की फाइल में। आपने वो 25 लाख के खबन की तफसीलात तो पढ़ ली होंगी, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। इनसे मुजरमों जैसा सलूक क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैंने अपने इख्तियार से तजावुज नहीं किया, सजा देना मेरा काम नहीं है, अदालत का। सर, लोगों का ख्याल है कि शुरफा को महज रुपया बटोरने के लिए मुलव्वज़ किया गया। लोगों का ख्याल। देखिए, लोगों की जबान आप हैं, उनके जहन में आप लोग ख्याल डालते हैं, उनके मुंह में लफ्ज आप लोग डालते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर ये बात होती तो 25 लाख रुपया बरामद ना होता, मुलजिम सजा पाता और बस। एक सवाल करप्शन के बारे में सर, चोरी चकारी बढ़ती क्यों जा रही है इस इलाके में? ऐसी बात नहीं है, बढ़ी नहीं है, सिर्फ यह है कि मैंने छुपाया कुछ नहीं आप लोगों से। ऐसे खत्म भी किया जा सकता था, और मैं समझता हूँ कि शायद इसके खत्म करने की जरूरत नहीं महसूस की गई। ये बात नहीं है। देखिए, जुर्म का ताल्लुक जहालत से है, जो जो जहालत खत्म होगी, जुर्म भी बतदरीज कम होता चला जाएगा, मेरा ईमान है। देखिए, ये आपके सामने फाइल है, ये 25 साल पर फैली हुई है, देख लीजिए कितने आए कितने गए, लेकिन शुरफा का दुश्मन कोई नहीं था। बुलाओ उसको। हेलो, सलाम अलैकुम। हेलो, ये देखिए, लाओ इसको इधर। ये देखिए इसका चेहरा, बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने, बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने। इसने अपना राज छुपाने के लिए एक मासूम बच्चे की जान ली है। Anyway, thank you very much. बहुत शुक्रिया। Thank you, जी। Thank you very much. अब तो सिर्फ मैं हूँ। और मैं? मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, आर या पार। जिंदगी की तरह कीमती और नाजुक दाव है, तुम कर सकती हो? हाँ, कोशिश तो है ना अनवर। अब इसे यकीनी होना चाहिए, हमारा बच्चा अकेला तन्हा मुल्क से बाहर चला गया। मेरा बच्चा पहुंच गया होगा ना अनवर? हाँ, उसे भेजकर सारे जहाज जला दिए मैंने। 2 दिन में? 2 रातें और 2 दिन। हाँ। और ये मुमकिन है सारा, इसे यकीनी बना दो। तो क्या आज हम निकल सकते हैं ना? हेरोइन के बगैर? हाँ। उसके बगैर जाना अपने आप को अपाहंच बनाना है। तुम उसे जज्बाती कर दो, बिजी कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है। तैयारी के बगैर जाओगी? हाँ, बच्चा गुम हो गया ना मेरा, समझो। जी बीबी, हाँ,
ठीक है ठीक है, पहुंच रहा हूं। अच्छा तो ये तुम हो। सारा, मैं जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। काश मेरे पास वक्त होता है हैरत का इजहार करने के लिए। खैर कोई बात ही तो कहो, मुझे जरा जल्दी है मेरे आने तक। हाँ हाँ, अब तुम्हें फुर्सत कहाँ, पूछा तक नहीं कि हुआ क्या मुझे। क्या हुआ? बच्चा गुम हो गया मेरा। पर तुम ये कैफियत कहाँ समझोगे, सांस रुकती भी नहीं आती भी नहीं। नाकाबंदी करवा दीजिए वायरलेस के ऊपर, बच्चा मिल जाना चाहिए। राइट सर, मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा। तुम्हें इस तरह अचानक मिल जाने पर हैरत नहीं हुई? हैरत भी हुई और मुसर्रत भी, लेकिन इजहार का वक्त नहीं है मेरे पास। कभी तड़पा करते थे मेरे लिए, रोया करते थे, सारा इस उम्र में इन बातों के लिए न मेरे पास फुर्सत है न होनी चाहिए। तुम्हें मेरे दुख का दुख भी नहीं हुआ? जो तुम कहना चाह रही हो और नहीं कह पा रही हो ना, वो कहो। बच्चे की तलाश में तुम्हें खुद जाना चाहिए। मेरी माँ सख्त अजियत में है, लेकिन मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उसे देखने जा सकूं। जानबूझकर गुरेज कर रहे हो तुम। मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा, मिल जाएगा बच्चा तुम्हारा। हाँ महमूद, लाहौर से टेलीफोन आया है डॉक्टर निसार साहब का। कोई मैसेज? लाहौर आने को कहा सर। जाफर को बुला। राइट सर। जी सर। जाफर, वो औरत तुम्हें याद है ना जो उस दिन आई थी जिसका बच्चा गुम हो गया था? जी हाँ, मैं समझ गया सर। तुम्हें पता है ना कि उसका बच्चा गुम नहीं हुआ था? नहीं सर। अनवर खान की फाइल कहाँ है? अनवर खान सर, इस नाम की तो कोई फाइल नहीं है। हैरत है। मैं तो छुट्टी ले रहा हूँ सर। क्या हुआ, किस लिए? था क्यों सर, ये रोज रोज के छापे, काम की भी कोई हद होती है। जाफर हुसैन, इस बात की हमें तनख्वाह मिलती है, लोगों को तहफ़ देना ये हमारे फ़राइज में शामिल है। फ़राइज क्या सिर्फ हमारे लिए हैं सर? हम इंसान हैं, गलती कर सकते हैं, कोई रोबोट तो नहीं है हम। क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो? हमारे भी बच्चे हैं सर, उनके लिए तालीम, गाड़ी, घर, आसाइशें, सभी कुछ चाहिए। उनकी भी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, नन्ही नन्ही खुशियां हैं, दवा दारू, तसल्ली, तरक्की, तहफ़ ये सब कुछ उनको भी चाहिए सर। मैं कब मुखालिफ हूँ इनका? आप ही तो हैं सर, इस कड़ी धूप के सफर में हमें क्या मिलता है, क्या फायदा ऐसे अमन का जिसके लिए फाके बर्दाश्त करना पड़ेंगे, जो मजबूरियां जगा दे हमारी। सर क्या
क्या हम सिर्फ सिसकियां जमा करने के लिए निकले हैं? सर आपने तो हमारे लिए कोई एक दरवाजा भी नहीं खुला रखा। एक दरवाजा तो खुला रखते थे सर। वो नजात का दरवाजा नहीं है। सारे स्टेशन को सिर्फ 2 रुपए माहवार की स्टेशनरी। बस कुछ बातें तुम्हारी दुरुस्त भी हैं, लेकिन रात को घर जाकर अपने जमीर के आईने में ये सवाल जरूर पूछना, और वहां से जो जवाब मिले याद रखना कि वही सच है, वही हक है, वही अदल है और सच्चाई है। सिर्फ उसी पे कान धरना। क्या ख्याल है तुम्हारा, छुट्टी करनी है या काम करना है? ठीक है सर, ऑल राइट, गुड, ओके। आइए, ये देखिए नक्शा, ये जगह देखा है आप लोग? जी सर। मेरी तहकीकात ये कहती हैं कि ये हेड ऑफिस है, तमाम सिलसिले इधर से आके यहीं ख़त्म होते हैं और यहीं से शुरू होते हैं। मेरे ख्याल में सर ये बहुत पेचीदा सिलसिला है और आम आदमी, मैं तुम्हें आम आदमी नहीं समझता। ये एक जाति सा मसला है सर, मेरा ख्याल है सर। जाति मसला? क्या सर, तुम इसे जाति मसला कह रहे हो? हवा में जहर घुल रहा है हर तरफ, तुम कहते हो कि यह जाति मसला है। भला उसको आइए माँ जी। देखो इसे जाफर हुसैन, और से देखो इस औरत को, इस जैसी कितनी माएं हैं, कितनी माएं हैं जो अपने बेटों की तस्वीरें अपने गलों से लगाए, सिसकियां भरती, डगमगाती इस मुल्क की सड़कों पर हैं। उनके हाथ बहुत लंबे हैं सर। मुश्किल तो नहीं है तुम, लेकिन समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो जाता है सर। उसकी वजह यह है कि हर तीसरा शख्स उनका मुखबर है, एजेंट है या गाहक है। इसी गाहक के जरिए मैं उन तक पहुंचा, उनके हेड ऑफिस तक। भेजिए इनको। आइए माँ जी। आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि ये जहर उन हाथों तक पहुंच चुका है जिन्होंने कल हमारी तारीख लिखनी है। एक चुटकी दे दीजिए, बस एक ही पुड़िया, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। मर ही तो चुकी हो। नहीं, नहीं, मैं मरी तो मेरे बच्चा भी मर जाएगा। मेरे सिवा उसका कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ है तुम्हारा? एक पुड़िया, बस एक पुड़िया दे दीजिए। कब से कर रही हो नशा हेरोइन का? 6 माह से। क्यों पीती हो? बस एक पुड़िया दे दीजिए। ना मिले तो क्या होता है? मुंह से खून आने लगता है, टक्करे मारने को जी जाता है, मर जाने को जी जाता है। और तुम इसे जिंदगी के बच्चे के लिए, सिर्फ जीने के लिए पीती हो? अगर आप मेरे बच्चे को मां तहफ्फुज दे सकते हैं तो मुझे जहर दे दीजिए। इससे बड़ा जहर और क्या होगा? जहर ही तो है। 18 घंटे काम करती हूँ पहले बच्चे के लिए, अब
हीरोइन के लिए 18 घंटे की कमाई चंद सिगरेटों में जलती और हड्डियों को जलाती है। बस एक पुड़िया दे दीजिए। देखा आप लोगों ने, देख लिया आप लोगों ने, मैं इसी के जरिए इस हेड ऑफिस तक पहुंच रहा हूं। आप लोगों को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था एक मामूली से फायदे के लिए। मामूली से फायदे सर? खामोश रहने की भी कोई एक कीमत होती है सर, ताकि जिंदगी भर कोई जॉब करने की जरूरत ना रहे। तुम अच्छी तरह जानते हो जाफर हुसैन कि मैं जॉब तनख्वाह के लिए नहीं करता, एक मकसद के लिए करता हूं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर। ख्याल रखो और याद रखो जाफर हुसैन कि अगर किसी दिन तुम्हारा बेटा अगर इस तरह जिस्म नोचता दीवानों से सर टकराता इसी जगह हमारे सामने पहुंचे तो क्या कहोगे? लाखों का ये सौदा सस्ता पड़ा या महंगा? याद रखिए एक टीम वर्क है, हम सब लोगों को अपनी अपनी चौखट को खून से बचाना है। हैरान का खतरा इस आयत का सबसे बड़ा खतरा है जो हमारी नस्लों के सर पे मंडला रहा है। ये एक चैलेंज है, या तो हम इसे कबूल कर लें और या इसके सामने हथियार डाल दें। हेलो, वो सर। हाँ जाफर हुसैन, साया मेरे सर से ढल गया। सर आप फौरन लाहौर चले जाएं। हाँ सर, ऑपरेशन कल भी हो सकता है सर, आप फिक्र न करें। शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन ये अहम है, पता नहीं ऐसा मौका दोबारा आए या ना आए। कल शाम 9:00 से 9:25 तक मैं यहाँ आऊँगा। अगर आप लोग फायर की आवाज़ सुने तो फौरन आ जाएं, और 9:30 अगर फायर की आवाज ना सुने तो भी। राइट, थैंक यू। ओके सर, एंड गुड लक। ऐसा ही होगा सर। ये जानते हुए भी कि हेरोइन जहर है, ये जाने लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि पीने वाले भी और बेचने वाले भी 100 साल की जिंदगी एक दिन में गुजारना चाहते हैं। लेकिन याद रखो ये लानत बहुत जल्द मर जाएगी। पता नहीं कब खत्म होगी। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एक मुजरिम बाकी है। और कौन? तुम जानती हो उसे बहुत अच्छी तरह, लेकिन फिर भी अनवर खान। मसूदुर रहमान, 1 करोड़ का लफ्ज तुमने सुना तो होगा, देखा ना होगा। उसकी ताकत, उसकी लज्जत दुनिया की तमाम नेमतों से अलग है। ओह, ये तहायुर जिससे तुम्हारी आंखें फट रही हैं ना, बेनियाजी इत्मीनान और फख्र में बदल जाएगा। शो हमारी इज्जत इसी में मसूदुर रहमान के हम एक दूसरे के दोस्त रहे। तुम्हारी आन और हमारी अना इसी में। देर ना करो सारा, बुलाओ अनवर खान को। तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो,
शदीद। सारा, कोई कमजोर लम्हा मेरे इस इरादे को बदल नहीं सकता। तुम्हें चाहिए अनवर खान को फौरन। मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं ये मैं बेहतर जानती हूँ। वो मेरा शौहर है मसूद, और तुम, खैर छोड़ इस बात को, छोड़। तरह गौर करो, अगर एक दिन तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा अपना खून अपनी रगों में इस अंधेरे को उतारे, हेरोइन के जहर को चाटे, तो फिर बस बस मसूद रहमान, इतना आगे मत बढ़ो। अगर सारे शहर के गुनाह एक तरफ रख दिए जाए, तब भी तुम्हारे जराइम और गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा है। तुम जज्बाती हो रहे हो, बहुत ज्यादा। अपनी हैसियत बदल मसूद। देखो ये इतना है कि ना तो तुम गिन सकते हो और ना सोच सकते हो। बुलंदी पे आके देखो मसूद रहमान कैसा मंजर है। बुलंदी कहती हूँ उसे या पाताल? नहीं सारा, जितना गिर चुकी हो इससे ज्यादा गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। बस बस मसूद, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। जम जाओ जहां पे खड़े हो, बैठो। एक मामूली पुलिस ऑफिसर ही निकले ना आखिर। मोहब्बत में नाकामी के दाग को धोने के और भी कई रास्ते थे मसूद। कुछ बातें अदालत के लिए भी बचा रखो। अदालत? कैसी अदालत? जब तुम्हें रिहाई मिलेगी ना, तो हम आसमान की वसूतों में परवास कर रहे होंगे। चाहूं तो तुम्हें गोली से उड़ा दूं, मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम सिर्फ आवाज सुन लो और समझ लो कि ये गोली तुम्हारे सीने के आर पार भी हो सकती थी। तुम ये, तुम समझ रहे हो कि अनवर खान को रुसवा करके तुमने फतेह पा ली है? मगर नहीं, नहीं, समझ लो मसूद कि इज्जत और बदनामी महज दो लफ्ज हैं, और इन लफ्जों की इस दुनिया में ना तो कोई हैसियत है और ना अहमियत। थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ सारा, कि मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी तुम्हारे वसीले से मिली। थैंक यू। आइए चलिए। जाफर, इस इंक्वायरी का फैसला आपको तहरीरी तौर पर भेज दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।